अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी? मैं थोड़ा मेज़बान मोहम्मद नासिर तो सुने पे नांगनी टीवी ते वीडियो शुरू करने तो पहले वो एक ही गुजारिश कि अगर तुम सारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करो चा। दोस्तों आज की जी वीडियो है बड़ी मुनफरद और प्यारे अंदाज़ी वीडियो है, क्योंकि आज जी वीडियो है बाकी सारी वीडियो तो मुख्तलिफ वीडियो है। उसकी वजह है कि आज की जी वीडियो है वो सियासत पर मबनी है। आज सारे नाल जी शख्सियत है चाचा तौला खान ज़ादे खैर आफ नांगनी, ये हूँ आने वाले वक्त सियासत जिन्हें इंट्री होनी है UC 39 एज ए चेयरमैन, तो इन्हें को आया इंटरव्यू गिनाण कि इन्हें को पुछ भाई के वजह है। अगे भी नाजिम आए ठीक है ना, होर भी सियासी आए MP MNA होंगे, हर एक का एक अपना अपना मंशूर होंगे भाई। तुसा जो इस दफा सियासत जाते पे थोड़े के मंशूर है तो सारे नाजरीन देखे इन्होंने मंशूर समझन। अस्सलामुअलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जनाब। ठीक हो सर? अच्छा सर, देते पाओ तुसा हम जी आने वाली सियासत है बलदयात की, असा सुने भाई तुसा ए चेयरमैन तुसा आते पे हो। तो सर चेयरमैन जो हर बंदा एक मकसद गिन के हर फील्ड आंदा है, तुस जो इस फील्ड आते पे हो के वजह है? उसकी असल मंशूर थोड़ा के उसके पिछले मकसद के ये सारी चीज़ा सारे नाजर। अस्सलामुअलैकुम जनाब नासिर साहब, थोड़ा शुक्रिया। वालेकुम सलाम। अपना कीमती टाइम कढ़ा है बेशक, खिदमत का मौका दिता है। इस वास्ते जनाब मैं भी जिस तरह से पूछ रहे हो कि हर काम का एक मंशूर होता है हर बंदे मंशूर बिल्कुल, और अपना तरीका होता है हर बंदे का। बिल्कुल सर बिल्कुल, ठीक है, कोई शक ही नहीं। देखो चेयरमैन तो अगे ही सारे को बनते आते हैं। बिल्कुल बनते हैं, ठीक है। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, नाजिम, नायब नाजिम, काउंसलर आते हैं, सिस्टम है बना जिन्हें बल्दे आता सिस्टम है। लेकिन कुछ सारी बदकिस्मती सारा इलाका जो गाँव नांगनी है ना कि कम अज कम 25,000 नफूस से मुश्तमिल है सारी आबादी जी है ना इस टाइम। हाँ, छोटे व्डे मिला के बच्चे 25,000 डेरा जात लोग हैं उत्थे रहते पे, लेकिन उत्थे सहूलत का फुकदान है भाई। बिल्कुल ये गल तो है। देखो ना इस दौरे जी अगर असा इन चीज़ों तू रह जाने यहाँ पीछे ना अपने हकूक हासिल ना कर सकते, समझो अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। हाँ, अभी नहीं तो कभी नहीं, बिल्कुल ठीक है। इमरान खान देखो तो सुबह शाम यही गल है, तालीम सेहत तालीम से। तालीम सेहत और इन दोनों चीज़ों के अच्छा बहुत पिछे हाँ। हाँ ये दोनों बल्कि है नहीं को ना पिछे क्या लकीर तू पिछे हाँ, ऐसी कोई शक नहीं ना। सारे को तालीम की सहूलत है, मिडल स्कूल इस दौरे अजे तक यार पूरे जिले के स्कूल अपग्रेड हो गए। इमरान खान साहब अपग्रेड करते हैं, ऐलान बार बार कर रहे हैं कि वो किते नहीं अपग्रेड करो, जल्दी करो, अपग्रेड हो गए। एक वाहद नांगनी इतने आके सियासियों का भी सारे एजुकेशन महकमे वाले अफसरान का भी आके खलोवे नहीं भी, इतने समझ नहीं आती भी स्कूल क्यों नहीं करते पे। सारे बच्चिया का स्कूल है, इतनी बड़ी आबादी है, एक स्कूल प्राइमरी जनाब 25,000 की आबादी एक प्राइमरी स्कूल बच्चिया का, प्राइमरी स्कूल है बच्चिया का, बाकी है ना डेरते डेरे दूर है, यानी कि गाँव की जो आबादी है ना वो एक स्कूल है प्राइमरी स्कूल, तो वह के तालीम होनी है तालीम। सर ये तो प्रोग्रेस जी भी है ना ये तो पिछले सियासियों की है जेडे सारे नाजिम हैं, ठीक है सर। एक गल तो पिछे रह गई ना बई के उन्हें किया के ना किया, हूँ थोड़ी जी आने वाली सियासत है तुम अपना मंशूर नाजरी दस रहे हो। मैं उठाना चाहना वो मसले हल करना चाहना जेडे मसले इन्हें नहीं किए सारे हल जी, स्कूल वाले तालीम के हवाले नाल, सेहत के हवाले नाल, डिस्पेंसरी वेटनरी सेंटर ये चीज़ा मैं चुकना चाहना जनाब। नहीं सर मसाइल देखो ना एक सियासत ना है, तुस बेसिकली के समझे सो सियासत है किस चीज़ है ना? सियासत तो भाई तुम करो तो इबादत है। आसानियां पैदा करो जो उन्होंने मसायल तावन करो मसायल हल हो, ठीक है। ये जी प्रॉब्लम मैं दसा पा थो तालीम के हवाले सेहत के हवाले हूँ कौन करे सी आके कितना अरसा हो गया है सारे गाँव कम अज कम 100 साल तो ज्यादा अरसा हो गया, 150 साल का गाँव है। अच्छा नांगनी, नांगनी जी हाँ, यानी कि UC 39 पूरा या अलग एक नांगनी नांगनी गांव है। अच्छा नांगनी गांव, नांगनी गांव ये डेरे तो दूजे बाद डेरा जाते हैं ना, असल गांव तो वड्डा UC 39 नांगनी है। नांगनी जिन्हें दारुल खिलाफा ही कह दिया, एक UC दा दारुल खिलाफा है। बिल्कुल ज़्यादा आबादी वाले लोग इतने रहने। तो सर इसमें क्या तुम वजह कह रहे हो भाई क्यों पीछे, क्या ये सारी आवाम की नलैकी है, सारे सियासियों की नलैकी है, सारी भी इंतजामिया की नलैकी है, एक मेन जेड़ा मकसद है पिछे रहने का क्या मेन मकसद है? लीडरशिप, लीडरशिप की बहुत कमी है, कमजोरी है ना लोगों की, जो लीडर है ना जी उन्होंने कमजोरी है।
अच्छा सर, एक तो मैं गल ऐड करना चाहता हूँ, एक तो चलो लीडरशिप जो गल करें पे तो एक सोच भी है, क्योंकि ज्यादा जो सारे इलाके के लोग होने ना वो अनपढ़ होने जी हाँ, मेन तालीम उन्होंने सेहत तालीम तो बिल्कुल नवे तो खैर है, लेकिन सारी सड़क होवन स्लेबा होवन नालियाँ होवन जी हाँ, क्योंकि पिछली जी बलदियात की सारी सियासत है वो इन दूँ चीज़ों से चलती है, या तो वो स्लेब मंगते हैं या वो नाली मंगते हैं, वो भी अपने घर की कहीं होर भी नहीं, इनफरादी काम वो ज्यादा तरजीह दे दें, तो जोड़ा पी टी आई के मंशूर हो तो एक सेहत तालीम है, हम जी तो सारे पे इन्हें दुहाई थी, अगर सारा इलाका पिछे सेहत की पिछे अगर तालीम की पिछे तो सारे को सियासत न हो समझा कि वोट जायकी थी पी टी आई ने कि भाई अस दौरे की राह वे ना जी इन सहूलत तो समझो अस वोट अपने भाई जाये किए पी पी 87 जो वोट दिते ना अस जी वो जाये किए बिल्कुल एक जाये हो गया ना यार जाये ने फायदा ना हो सू कि फायदा किसी एम पी ए बनाने का भाई 100 वे एम पी ए सू की फायदा और सारे कम नाम साढ़े तो वडेरा शाही हो मुजेरे ने इन्होंने तालीम ना दो इन्हों चीज़ा तू पिछे रखो दूर रखो सू की फायदा। अच्छा सर तुम हम अपनी सियासत बारे दसो मैं जो अग आसो अपनी यह दादा पैसे सुन के बिना चीजें देख के मैं आता पाया कि मसले सारे हल नहीं होते हूँ के तुम मुशावरत ना लासो या लुगे थाने जज्बे नहीं मैं भाई कोई ना साथ नहीं दे रहा तो मैं टुरसा ना मैं कोई शौक नहीं चेयरमैन बनने का या किसी चीज़ का ये नुकता जरूरत समझो ये जरूरत है बिल्कुल एक ये जरूरत के तहत अगर जरूरी नहीं मैं आवा मेरे एक मिशन है कि सारे नांगनी गांव का बंदा जब तक लीडरशिप ना हो सी ना चेयरमैन की सीट ना ये मसले सारे किसी हल नहीं करने जो करने होंगे तो पहले कर देंगे। अच्छा जनाब आखिर ते क्योंकि गल तो लंबी थी है जी क्योंकि एक मेन पैगाम पहुँचावना है यंग नस्ल के आने वाली क्योंकि बलदियात जड़ा है तो सब तो ज़्यादा जी मुतासर होंगी वो यंग नस्ल ही होंगी बलदियात तो और बलदियात वास्ते ऐसी चीज़ें इसे अगले मंशूर नहीं देते इसे रिश्तेदारियाँ दे दिन ठीक है ना खानदान दे दिन तलुकात देखे वेंदे तो उन्होंने ये गुजारिश ये भी तलुकात खानदान ना देखो मंशूर डिठा करो भाई मंशूर तो कड़ा बंदा के काम करें। अच्छा सर तुम देखो नाजरीन के आखना चाहो भाई सियासत अगले जी आने वाली सियासत बलदियात इन किस चीज़ मद्देनजर रखा वे भाई ये चीज़ा तो देख के अगले वोट दो ये चीज़ मद्देनजर रखनी चाहिए नासिर साहब कि जो बंदा वर्कर है जी ऑलरेडी काम करेंदा पे थोड़े भावे काउंसलर है भावे चेयरमैन है भावे वाइस चेयरमैन है जी भावे आम आदमी है जी जो थोड़े वर्कर है जो दुख रखेंदा इस चीज़ का कि साडे बच्चे दे मुस्तकबिल इस इलाके दे रोशन हाँ बिल्कुल सर सेहत तालीम दे उत्ते जो जोर देंदा है उस बंदे ने वोट देना चाहिए जो शऊर हो बेशक इसे ते कोई शक इंसानियत। अच्छा सर इत्थे इक होर ना एज ए बरादरियां दे विच ये खाता आ वेंदा है कि जात पात दे विच कि भाई ए खान है ए जट है इस बारे तुसां के तफसीली आखसो उस बारे मैं तो भाई अक्सर नासिर साहब कोई कहने ना सम बहस कर सकते हैं मलक नाल ना कह पैसे पठान नाल जी भाई पठान सच हाँ या मलक सचे हो या सारे भिरा सा मेरा तो यह कि भिरा है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दी औलाद हाँ मुसलमान हाँ सा एक कौमी तसु बहुत बड़ा गुनाह है भाई हाँ बिल्कुल ये चाहे इस्लाम दो या जात पात दो अल्लाह ताला और अल्लाह रसूल सल्लम ने बार बार मना फरमाया कौमी तासुब तो बेशक कि गोरे नू काले ते काले नू गोरे ते अरबी नू अजमी ते अजमी नू अरबी ते कोई फोकियत हासिल नहीं फोकियत हासिल को नहीं बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ते मेरे हाँ तो ये कोई गल बेमानी है मलक पठान ये वो सब मुसलमान इंसानियत देखो इंसान की जी जी बिल्कुल जी हाँ जात पात ना देखो यानी कि एक शख्सियत नु देख के उसे काम नु उसे किरदार नु देख हर बंदे अपने माल नामा खड़ना ना जी कबर हां बिल्कुल वो तो अपना एक माल नामा है हां उसे ते या अल्लाह ताला दे हो सकदे के ताल्लुकात में इंसानी पता जी हां ना ना क्योंकि हर बंदा दूजे किसी दी जात ते वो हट धर्मी नहीं अच्छी वो गल नहीं अच्छी कौमी तसब वाली ना तो सब मिल के काम करो इदे च बरकत हो सी इंशाल्लाह ताला बेशक हो जी हुन सारा गांव नांगनी फन पता है सारे ओही लोग पया जेड़े सदियां तो रांदे पया इकट्ठे हां बिल्कुल नवी तो कोई बंदा नहीं आया ना कोई बात साडे परदारे इकट्ठे रहने हन जी जी दादे रहने हन पियो रहने हन असा रांदे पया साडी औलाद रासी उनाई गली मल्ला च इकट्ठे वडे थया जी जी कोई बाहरू बंदा होर तो नहीं आया नहीं मिला असा सोचना साडा घर है ना ओदे बारे के सारे को थोड़ी थोड़ी और ना मिट्टी दी थोड़ी थोड़ी दोबी लाओ तो घर बन जाए सारे एक एक टाकी दसा तो मसाइल हल ठीक है इस मसले से भावें सारी मुखालफत ही आपस बावी इख्तलाफात साइड से रख के एक पेज से खड़े होके एक प्लेटफार्म से इस घर के बारे अपने गाँव के बारे सोचना कि सारा कहें फतह करना है क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम आके किला नांगनी फतह करना है नहीं करना और सारे चू लोग उठा उठने जिन्हें मसले हल करने यार तालीम इस दौर की तालीम को नहीं साढ़े को तालीम की कमी है तालीम की बहुत अस बच्चिया ना पढ़ा सकते कि साढ़ा प्राइमरी स्कूल है जी गरीब लोग हाँ
मियाँ वाली शहर कौन भेजे, वहाँ बचर से कौन भेजे, प्राइमरी तो बाद ही थोड़ी थोड़ी समझ आती है, मिडल तो बाद ही बची चलो वो पढ़ेंदे को अगर नहीं पढ़ेंदे बाद मिडल कर गई बची कर बिल्कुल मिडल तक तो सहूलत होनी चाहिए बिल्कुल इन गल है। तो 1979 स्कूल बना मिडल साढ़ा अजय तो मिडल स्कूल खलोता है उसका नंबर नहीं आया अपग्रेड का पता नहीं उस बीमारी के या बना माला कोई बीमारी है कोई तकलीफ है स्कूल तो या उस कोई नुक्स है स्कूल या असा इस काबिल ना कि तालीम हासिल करा भेड़ बकरियां की बस्ती समझे ने सारे सियासी क्यादत है सारी जड़ी या सारे अफसरान बालन या हुकूमत हर हुकूमत सू इस तरह कर दी है कि सारे बच्चों सहूलत नहीं देनी स्कूल की सारे स्कूल अपग्रेड करो सू डिस्पेंसरी की नहीं जरूरत बीमार होने मियाँ वाली बनना पौधा है वहाँ बचरा तराती बनना पौधा है। हाँ बिल्कुल डिस्पेंसरी हो फर्स्ट एड तो हो सकती है ना छोटी मोटी गोली छोटी मोटी अस्पताल वेटनरी सेंटर ऐसा जानवर ना रखें बिल्कुल सर सारे जानवर कौन है डंगर बीमार नहीं होते यानी कि चमाई काम जितने भी उन्होंने तो बहुत ज्यादा असा पीछे हां यानी कि एक मैं इस जज्बे दे तैसरी ना मसला नु मैं मेरा नहीं जरूरी मैं आवा जी बिल्कुल कोई मैं आओ तो सा आवा नासिर साहब मैं दावत लेना तो मैं थोड़े नाल खलो सा ना खलो मत काय चाचा तू बंदा गलत है बिल्कुल ही गलत है तू आओ स्टैंड गिनो जानो उठी वो ये मसला हल करना है पिछली नस्ल से छोड़ के नहीं मैं काम इस तरह पहले सारे बेचारे फौत हो गए मिन्नत तरले कर करके चले गए ने मसाइल छोड़ के ऐसा पिछला तो नहीं छोड़ के बैठना हालांकि जिंदगी गुजरती पई है जिंदगी तो पई है सौखी सौखी है नहीं ये गुजर रही है लेकिन ऐसा काम अपने करने मसाइल इंशाल्लाह हल करावने बिल्कुल सर जिस तरह भी करना पे सानू ऐसा हर सूरत ही मसले हल करावने ठीक हो गए सर दमा दम मस्त कलंदर ही करना पे हुकूमत के खिलाफ और इस जिले इंतजामिया के खिलाफ वो ही करने बाद स्कूल गिना था आखना है साढ़ा हक इतने रख असा गिनना ही गिनना तो यो हनी सिंह अली वो समझ गए ठीक ठीक सर। अच्छा सर बहुत शुक्रिया अल्लाह पाक थोड़ा खुश रखे थोड़ा जोड़ा जज्बे वो बरकरार रखे सारे जितने नौजवान सुनते पैन इस टाइम या सारे सियासी जो सुनते पैन हर कहें एक अपना जज्बा हो असा कहीं मुखालफत ना कि कोई आके असि मुखालफत हर बंदा इस फील्ड आवे अगर वो जितना कर सकते अपना रोल अदा करे ठीक है ना जितने मेरे नौजवान सुनते पैन भाई तुसा सर एक गल मद्देनजर जरूर रखनी है कि तुसा सियासियों नहीं देखना उस बाद बरादरियों ने नहीं देखना कौम ने नहीं देखना जात पात ने नहीं देखना बल्कि एक शख्सियत उसके करैक्टर किरदार को देख के वोट देना है कि क्या ये आने वाले वक्त सारे काम आसी क्योंकि तुसा जो बलदयात होंगे ना एक नस्लां नस्लां के काम चलता है असं की करें एक गली बना के नाली बना के साइड से जी क्या तुसा देखो भी पिछले इतने साल गुजर गए नाली तो बगैर कोई साधन नहीं नस्लां गुजरियाँ क्या कोई सलेबन तो बगैर नस्ल नहीं गुजरिया हाँ ये जरूर है वक्ती फरोक आंदा है लेकिन सर सब तो ज्यादा जो सारी सियासत जो हिस्सा आंदा है या सारी तरक्की हिस्सा आंदा है वो सारा इज्तमाही काम आंदा है यानी कि तालीम हो गई या सेहत हो गई असा इन सारे कमों तो पिछे असा सिर्फ फर्दी काम तरजीह दे के असा साइड थी वन भाई सारी नाली बन गई है सारी सलेब बन गई है बाकी अल्लाह अल्लाह तो खैर सलाह असा ये ना दे भाई यार सारा बाल अठवीं तो अगे नहीं वेंदा पिया सारी बच्ची पंजवीं तो अगे नहीं वेंदी पई सारी घर वाले डिलीवरी की मसला हो असा मियाँ नहीं ना आवाई सकते पे ना सारे को ट्रांसपोर्ट का मसला है ना कुल सारे को रोडों का मसला है सारी अद तो ज़्यादा आबादी जितनी भी है वो मैक्सीम चलती पी है जी मवेशियों से लाइफ स्टॉक के यानी कि 80% सारा रिस्क एक भेड़ा बकरियां गाइं से मुनसर होता है सारे को एक वेटरनरी सेंटर नहीं तो सानू यह चाहिए है कि तुसन मैं ये दसा बी आने वाले वक्त तुसा अगर देते पे हो सियासत आँदी पी बलदयात तो इन चीज़ों मद्देनजर रखो इन चीज़ों मंगो सियासियों को वो भाई सारे काम करो अपनी अपनी नस्ल संवारो ठीक है ना इस मुताबिक वोट दो तो चाचा अल्लाह पाक थोन खुश रखे थोन अपने मिशन कामयाब रखे तो मालिक पाक सानी खुश रखे देखने वाले भाइयों खुश रखे और इंशाल्लाह सानी उम्मीद है वो इस चीज़ तो फायदा उठा सन तो आने वाले वक्त यानी कि वो एक भरपूर किरदार अपनी सियासत अदा करे सन तो आखिर ते हाजिर रहो वजे रहो नागनी टीवी देते रहो अल्लाह जनाब शुक्रिया।